समयपुर से। समयपुर से, हाँ जी। कौन है हेडमास्टर आपकी? पूनम। पूनम मैम, हाँ जी। और प्रधान? प्रधान है क्या नाम है, सिंह साहब। सिंह साहब, हाँ जी। राकेश सिंह साहब, हाँ जी। और कभी बीआरसी से कोई आता है आपके पास? कभी कभी आते हैं लेकिन सुनता कोई नहीं हमारी। कभी कही अपने दिल की बात उनसे? उनसे कह दो तो वे निकल जाए, उनका आगे बोलो मत। मैडम ने मना कर दिया, आगे बोलने ना देती हमें। क्यों? पूरी दुनिया में तो भारत का डंका बज रहा है, कोई भी अपनी बात कह सकता है। नहीं, मना कर देती हैं, उन्होंने कहती हैं ऐसा नहीं बोलना कुछ भी, अर्जी जो काम करना करो नहीं तो हटा देंगे आपको। कितने साल से काम कर रही हो वहाँ पे? मुझे हो गए 14 साल। कोई एक महीना ऐसा जिसमें पूरे पैसे घर लेके आई हो? एक महीना याद हो? नहीं। कितने कितने महीने में पैसे मिलते हैं? 4-4 महीने में, 5-5 महीने में मिले। पूरे मिल जाते हैं? वही मिले हैं अपने, 2000 एक बार दे दिए, 4000 एक बार दिए, एक साथ ना मिलते। साइन करती हो कहीं पे? हाँ जी। कितने पैसे पे साइन करती? 1000 रुपए पे। कुछ कहना चाहती हो? 1000 रुपए मिलते हैं। प्रशासन से, डीएम साहब से, कमिश्नर साहब से कुछ कहना चाहते हो? हाँ, हमारी मांग हमें पैसे बढ़ाए जाए हमारे। पैसे तो बहुत सारे हैं, 1000 रुपए रोटी बना। 1000 में क्या हो रहा है? 150-200 बच्चों का खाना बनाओ, बताओ क्या हो रहा? 150-200 बच्चे, मैं तो स्कूलों में गया, मुझे 30 से 40 से ज्यादा। हमारे में समयपुर में जाकर आप कभी भी जानकारी जाकर देखिएगा, 150-200 बच्चे होते हैं पूरे। 170-180 ऐसे बच्चे हैं। 180 बच्चों का खाना बनवाते हैं, मैं सब जगह गया हूँ, मुझे 30 से 40 से ज्यादा बच्चे। 12 महीने में जो 10 महीने की सैलरी दे रहे हैं। आप हमारे यहाँ पे आना जब। आप कहाँ पर हो दीदी? हम किला खजूरी से आए, मिला। अच्छा, कौन है हेड मास्टर वहाँ पे? हमारे मधुबन मास्टर है। अच्छा, और प्रधान? प्रधान कालू, चेयरमैन। अच्छा, 180 बच्चे हैं आपके? हाँ जी, स्कूल में इतने बच्चे। मैं जुलाई में आऊँगा आपके स्कूल में। पक्का? पक्का, मतलब हमारे तरफ दो स्कूल का खाना बनता है। अच्छा, तो हम ही बनाते हैं, हम 5 जने हैं तो हम ही बनाते हैं खाना उनका। अच्छा, खाना खाने के लिए भी मिलता है? नहीं, खाना खाने के लिए नहीं मिलता, अपने टाइम से जाते हैं घर से, बच्चों को भी ऐसे छोड़ के चले जाते हैं, 12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है, जब आते हैं घर पे भी, स्कूल से आके जब खाना खाते हैं अपने घर। जो 170 प्लेट है वे भी खुद मान नहीं पड़े हैं हमें बच्चों, खुद मान नहीं पड़ने, बच्चों को बर्तन मिल गए वो भी हम खुद ही मान जाएंगे। हमारी ये मांग है कि हमें न्यूनतम मजदूरी मिले हमारी, और हमें मतलब जो कहीं हम मतलब काम करने जाएंगे तो हमें उसका पैसा मतलब 500-700 रुपए मिल जाएंगे। आप शादी ब्याह की बात कर रही हैं? हाँ, शादी ब्याह की बात कर रहे हैं हम। अगर वहाँ रोटी बनाने की, अगर वहाँ पर रोटी बनाने की बात कर रहे हैं, अगर हम जाएंगे तो, पर हम ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि हम सांसारिक बहू हैं, मतलब बेटियाँ हैं, ऐसा मतलब हम कर नहीं सकते। इसलिए 1000 रुपए में काम कर रहे हैं और 3-3 महीने पैसे नहीं मिल रहे तब भी काम कर रहे हैं। बस करना पड़ता है, पेट भरेंगे तो करेंगे। अब कहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे? बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। मास्टर नहीं सही पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? बैठ जाते हैं एक जगह, मेज डाल के, कुर्सी डाल के, हमारे लिए चाय बना के लाओ, पानी लाओ, आते तो उन्हें पानी चाहिए। अच्छा, आते ही पानी मांगते हैं, पानी दे देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद चाय बना के लाओ, अंजू मैं भी ला रहे हैं चाय बना के, खाना वाना तो बना लें, फिर खाना लाओ, प्लेट में खाना वाना करके लेके जाते हैं, प्याज काट के ले जाते हैं उनके लिए, फिर बर्तन आते हैं गंदे सने हुए, फिर उन्हें मांजते हैं। और उनके मन में इतनी दया भी नहीं है, वो आके कहें कि मंजू अपने लिए चाय भी बना लो? बिल्कुल नहीं। अगर हल्का सा पानी गिर गया ना उसमें तो ये कहेंगे इसमें पानी कैसे गिर गया, चाय फालतू कैसे बनी, जब 4 कप बोला तो 5 कैसे बनी, जब 4 कप बोला तो 5 कप कैसे बनी, 4 कप ही बनाते ना आप। एक बार भी नहीं कहते तुम चाय पी लो, हमारे बच्चों को नहीं मिलती पूरी साल चाय, इतना भरा जड्डा जाए हमारे बच्चों को चाय नसीब नहीं होती। दूसरी रख लेंगे ना, करोगे तो दूसरी रख लेंगे। यही हाल हो रहा है अब तो। 10-11 महीने का उसका मैं पैसा नहीं मिलता, नु कहते हैं तुम्हारी छुट्टी में जाडो में छुट्टी है, उसके कट गया त्योहार की छुट्टी, उसका कट गया वे भी कटते हैं हमें 10 महीने का मिलता है, वो भी हमें दूसरे साल में मिलता है। और जो कम है तो मास्टर जी कहते हैं और को लगा लेंगे, इन्हें हटा देंगे। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे साथ सारे काम करवावा हमारे साथ, नो उनको बच्चों ने टट्टी कर दी, नो उस टट्टी उठाओ और चाय पकाओ, हमें हमारे यू काम का करो, और लाइट के बाद नो पानी सभा करवाओ, बाल को सब करवावा, बताओ हम कदलो करेंगे? कुल 1000 रुपये हम ना करा, 1000 रुपये में हमारे पेट ना, हमारे बालक ना। उनका नाश्ता करें क्या, उनका खाना करें क्या, उनकी कपड़े पर आए क्या कर लेंगे हम 1000 रुपये में? 1000 रुपये में क्या होता है, नाश्ता भी नहीं होता सबेरे का, खाना तो दूर रहा। अपना नाम बोलो, अपना ब्लॉक बोलो। रजपुरे ब्लॉक की हूँ, गीता मेरा नाम है। अच्छा, अब काम है तब निकलने के, अब काम, अब थारे बच्चे नहीं पढ़ते यहाँ,
जो हमारे बच्चे पढ़ लिए लिख लिए, और जो हम अब कहाँ से पढ़ावे जब हमारे बच्चे है नहीं। और हमने कहा जो अब हमारे बच्चे के बच्चे होंगे वे पढ़ेंगे, तो तुम हट जाओ इससे। हेड मास्टर थे, रिटायर हो गए थे। अच्छा हाँ, अब पैसे को कह नो पैसे, हमें पैसे दे दो, ऐसी ऐसी घटना हो है दे दो। रो रो कर कहता, तो कहता जब हम मिल रही नहीं, ऊपर से नहीं आ रहे, तो हम कहाँ से देवे। इसके दम्मा हो गया चूल्हे पर रोटी पकाते पकाते, सांस पैदा हो गया, और इसके बच्चे उस स्कूल में पढ़ लिए, पढ़ के आगे निकल गए। बच्चे कहाँ से लावे, गिफ्ट तेरे बच्चे नहीं यार से निकल जनते। सरकार के ऐसे आधे से बच्चे ला, अपने घर के बच्चे ला, मिड डे मील में वह महिला काम करेगी जो मतलब जो अपने बच्चे खुद के यहाँ पढ़ावेगी इस स्कूल में जहाँ पे तुम मिड डे मील कर रही हो। इफ जिसने अपने 16 साल से बच्चे पढ़ा दिए, वे पाँचवीं छठी आठवीं करके निकल गए, इफ या बुढ़िया बच्चे कहाँ से लावे जिसके साथ हो गया वहाँ कमाते कमाते। इफ तू हट देख कितनी गंभीर समस्या। इसी तरह का मास्टर, बढ़िया सब्जी बनाओ, बढ़िया चाय बनाओ, उनको खाने का अधिकार है। इन औरतों को सिर्फ टेस्ट ले सकती हैं उस भोजन का, नमक मिर्च देख सकती है, ये खा नहीं सकती उसे। तो खाना कहाँ खाती हैं फिर ये? अपने घर खावे, घर जब खाएंगे जी, वो तो टेस्ट ले सके नमक मिर्च का बस। ये मामला है। आप क्या कह रही थी जी? एससी के पैसे नहीं आ रहे जी। एससी के पैसे नहीं? हाँ जी, मास्टर मास्टर जी नुकार एससी के पैसे नहीं आ रहे, मैं कहाँ से दूँ। कौन से ब्लॉक से हो? हम सरदना ब्लॉक से। सरदना ब्लॉक से? हाँ, गांव जुलड्डा। जुलड्डा से? हाँ। वैसे हमारे प्रधान जी सही हैं, वे ना इतने करते, प्रधान जी ने लगाया अब कहें बदलने को कहते। मास्टर जी उन्होंने कही नुकर नहीं, हमारी गांव की बहु बेटियाँ भी नहीं लगाऊंगे। नु कहते जिसके बच्चे पढ़ेंगे वे लगेंगे, नुकर ना प्रधान जी ने लगवाया अब कहें। आपके बच्चों ये जो महिला हैं इनकी आवाज़ को सिर्फ आप उठा रहे हैं, यहाँ के नेता और प्रशासनिक अधिकारी नहीं उठा रहे। आज ये मांग पूरी होगी तो ये और इनके बच्चे आपको सुरख के दरवाजे खोल देंगे। ये वे आवाज़ है जो तरफ से आत्मा है, आपको सुरख के दरवाजे मिलेंगे। क्यों? आप इनकी बात को आगे तक पहुँचा रहे हैं और जनता को इनका दर्द बता रहे हैं, और जब जनता को दर्द बता रहे तो जनता जो हमारे ये चोर नेता हैं जो चुनकाए हैं, जनता इन्हें गांव में घुसने नहीं देगी। ऐसे दर्द को सुन के, जो दर्द आप इनका सुन के जनता में प्रचार कर रहे हैं, ये सब लोग पंखा और शामियाना लगाकर यहां पर बैठे हैं केवल इस उम्मीद में कि उनकी बात सुन ली जाए, और बात सुनकर उन्हें कम से कम इतने पैसे तो मिल जाएँ जिसके ज़रिए वो अपने घर का खर्चा चलाएँ। आप भी इनके साथ आए हुए हैं बाबू जी? मेरे नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर महक सिंह है जी। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अजगर किसान मजदूर संगठन का जी। जब मैंने इन लोगों की हालत देखी, अब ये तो गुलामी भोग रही हैं और सरकार की तरफ को इनका कोई ध्यान नहीं है। हम सरकार से एक मांग कर रहे हैं, इन्हें जो सरकार ने निर्धारित मजदूरी तय की है। क्या निर्धारित मजदूरी? केंद्र सरकार ने निर्धारित मजदूरी तय की है इनकी 350 रुपये प्रतिदिन जी। वो सरकार वह मजदूरी इन महिला को दे जो 8 घंटे स्कूल में मिड डे मील बनाने का काम करती है। मास्टर जब ये चेक पर साइन करना चाहते हैं तो अनेक बिगाड़ लेता है। प्रधान के यहाँ जाती है, प्रधान ये कहता है फीस ना कर दे, आज प्रधानी की तबीयत खराब है। इसके अलावा अनेक बिगाड़ भी इन्होंने देनी पड़ती है। मैंने आंदोलन उठाया, 6 महीने से आंदोलन चल रहा, कमिश्नर साहब से मिले, यहाँ जो अधिकारी चुने जिनको वोट दिया सरकार को, सबके घर पर आश्वासन देते जाते नहीं। हमने ये वादा कर लिया है इनसे कुछ ना कुछ करके उठेंगे, और सरकार ने जो हमने नुमाइंदे चुने हैं इन्हें गांव में नहीं घुसने देंगे। इतने इन गरीब महिलाओं की, गुलाम महिलाओं की गुलामी दूर नहीं होगी। सांसद साहब के यहाँ गए थे, उन्होंने क्या कहा? सांसद साहब वहाँ पे मिले नहीं, उसके लड़के ने झूठा आश्वासन दे दिया। एक्शन में ये कैदी साहब, सांसद साहब नहीं आ रहे, हम आपके बीच भेजेंगे, आज तक तो भेजे नहीं है। हमारा कल से प्रोग्राम है, सब महिला आ जाएंगी यहाँ से, जितनी महिला इनके घरों पर बैठ के धरने देंगे, हमें इनसे जेल भिजवा दें या हमें लठ मार के इनसे भगा दें, पर इतने समस्या का समाधान नहीं होगा। इन्होंने किसी ने नहीं सुनी तो योगी जी के पास जाएंगे। क्या यही नारी का सम्मान है इस देश के अंदर? जो हो रहा है ये गुलामी नहीं तो क्या है? 33-99। और एक बात ये भूल रही हैं, इनको 12 महीने होते हैं, महीने की 10 की ही तनख्वाह मिलती है, 33-99, 33 रुपये रोड।
आप बीएसए डिपार्टमेंट भी गए, बीएसए साहब से बात करी आपने? बीएसए साहब से भी करती बात, बीएसए कहने लगे तो शासन आदेश जैसा कर रहा वैसा दे रहे, इनके लिए हम कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं। तो उनसे ये नहीं कहा कि महीने की तो महीने पे मिल जाए, 1,000 ही मिल जाए, लेकिन महीने की टाइम पे मिल जाए? जैसा बजट ऊपर से आता है सरकार भेजती है उसी के अनुसार हम दे दे, 4 महीने में आओ, 6 महीने में, 7 महीने में आओ। कोई उन्होंने सिंपथी नहीं दिखाई? कोई सिंपथी नहीं दिखाई, नहीं। सिर्फ कमिश्नर साहब जो आए हैं इन्होंने सहानुभूति दिखाई है, वाकई में इनकी समस्या जायजे मैं मानता हूँ, मैं शासन को लिख रहा हूँ, परंतु तुम सांसदों के इनके लेटर मेरे पास भिजवाओ, ये समस्या है तो मैं भी संतुष्टि करके भेज दूंगा, इनका मसला जायज है। सिर्फ कमिश्नर साहब ने हमदर्दी दिखाई और किसी अधिकारी ने या यहाँ के जो चुन के हमने MLA भेजे, इन्होंने कोई सहानुभूति हमारे बीच में अब तक नहीं आई। सांसद साहब से कुछ कहना चाहते हो? सांसद साहब से ये कहना चाहते हैं, यदि हमारे बीच में नहीं आया जो वादा कर गया था, सब औरतें हजारों औरतें घर पे गई थी, अब सांसद साहब आपके बीच में आएंगे, यदि नहीं आए और उन्होंने हमारी समस्या का लेटर कमिश्नर को नहीं पहुँचाया तो आपके उसके घर पे हम जाके बैठेंगे, चाहे तो हमें जेल भिजवा देगा चाहे यहाँ पर लेटर भिजवा देगा इनकी समस्या के अनुसार। जी हाँ, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ कैमरा बोल रहा है, सिर्फ दर्द बोल रहा है। हमने इस कड़ी धूप में इन लोगों को यहाँ पर आराम करते हुए ज़रूर देखा है, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं है, किसी के दिल में चैन नहीं है, सबको पेट की पड़ी है कि 1,000 रुपये मिलते हैं, समय से मिल जाने की बात तो दूर, कभी भी उस वक्त नहीं मिलते जिस वक्त पैसों की ज़रूरत होती है। 5,000 रुपये की ये मांग कर रहे हैं, सांसद साहब को बुला रहे हैं और कमिश्नर साहब के कहने पर इन्होंने अभी तक अपने धरने को केवल इसी स्वरूप पर रुक रखा है। हमारी सांसद साहब से अपील है कि वो इनके बीच में आए, इनकी समस्या सुने और इनकी समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम ज़रूर उठाएं। कैमरा पर्सन परवेज के साथ KK शर्मा, सिटी हलचल में।